Savior's gone. Gone? Gone. इस मूवी की कहानी शुरू होती है किलर से, जो कि अपना हथियार रेडी कर रहा था ताकि वो लोगों को मार सके। दूसरी तरफ हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि घोस्ट टाउन में घूमने के लिए आए थे। उस फैमिली में बॉबी, उसकी वाइफ रीटा और उसकी छोटी सी बेटी थी। वे लोग अपने गाइड से मिलते हैं जो कि इन लोगों को वो घोस्ट टाउन दिखाने वाला था। लेकिन अगले सीन में हम बॉबी को उसी किलर से जान बचाकर भागता हुआ देखते हैं। बॉबी के हाथ में उसकी बेटी का शू था जिसमें खून लगा हुआ था, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ को पहले ही उस किलर ने मार दिया है। तभी वहाँ पर वो किलर आकर बॉबी का सर एक हैमर से तोड़कर उसे जान से मार डालता है। वो किलर बॉबी के सर पर तब तक वार करता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। फिर इसके बाद हम दो सिस्टर को देखते हैं जिनका नाम था मैगन और एबी। दोनों को हॉरर जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसीलिए दोनों आए दिन हॉरर कॉमिक और मूवीज़ को देखने के लिए जाया करते थे और उनका एक म्यूज़िक बैंड भी था। और म्यूज़िक बैंड का शो ख़त्म करने के बाद अगले ही दिन दोनों अपनी फैमिली से मिलने जाने वाले थे। फिर अगले दिन दोनों अपने पेरेंट के घर के लिए निकलते हैं और वे लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पर जून नाम की एक लेडी किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और भागते भागते वो हाईवे तक आकर दोनों सिस्टर की कार को देखकर हेल्प मांगने वाली थी कि तभी कोई पर्सन जून को पकड़कर अपने साथ में खींच के ले जाता है और उन दोनों सिस्टर को कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पर दोनों सिस्टर एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और उसी समय वहाँ पर टोनी नाम का एक आदमी जून को लेकर आता है। जून बहुत डरी हुई थी और वो उन सिस्टर से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टोनी की वजह से वो अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं करती है। जून को डरावा देखकर दोनों सिस्टर को काफ़ी अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऊपर से रेस्टोरेंट की वेटर बेका उन्हें उस घोस्ट टाउन के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों वहाँ जाने का मन बना लेते हैं। लेकिन उनसे पहले ही एक दोस्तों का ग्रुप उस घोस्ट टाउन में पहुंच चुका था और ये वही ग्रुप था जिसे दोनों सिस्टर ने उसी रेस्टोरेंट में देखा था। फिर कुछ देर के बाद में बेका से उस घोस्ट टाउन का एड्रेस लेकर दोनों सिस्टर भी वहाँ के लिए निकल जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में दोनों उस घोस्ट टाउन की ओनर बारबरा से टिकट लेकर अंदर जाते हैं। बारबरा उनको देखकर ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हो रही थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, और वो उन दोनों से बहुत वियर्ड तरीके से बातें कर रही थी। लेकिन वे दोनों उसकी बातें सीरियसली नहीं लेते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके जाने के बाद बारबरा उनकी कार की ऑयल टैंक को ख़राब कर चुकी थी। यहाँ पर दोनों बहनें एक अबैंडन घर में घुसती है और उस घर के विंडो से मैगन उसी ग्रुप के एक लड़के को देखती है जो कि किलर से बचकर भाग रहा था। दोनों सिस्टर को पहले तो ये कोई हॉन्टिंग गेम लगता है, लेकिन जब किलर उस लड़के को पकड़कर हैमर से पीट पीट कर मार डालता है तो दोनों सिस्टर बहुत ज़्यादा डर जाती है। दोनों अपनी जगह से जरा भी मुंह नहीं करती है, नहीं तो किलर उन्हें देख लेगा। और लड़के के मरते ही उन्हें एक अजीब सा घोस्ट साउंड सुनाई देता है। किलर के जाते ही दोनों उस घर से निकलती है और उस लड़के की बॉडी को देखती है। और अजीब बात तो ये थी कि जस्ट अभी अभी मरने वाले उस लड़के का फेस पूरी तरीके से सूख चुका था, जैसे कि किसी ने उसकी बॉडी को अंदर से खा लिया हो। ये देखकर दोनों सिस्टर वहाँ से भागकर अपनी कार में बैठती है, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी वे दोनों किलर को उनकी तरफ आते हुए देखती है और तब दोनों कार से निकलकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। किलर भी हैमर लेकर उनका पीछा कर रहा था और दोनों सिस्टर भागते हुए एक घर में घुस जाती है जहाँ पर उन्हें उसी ग्रुप की एक लड़की मिलती है जो कि खुद जख्मी थी और बहुत डरी हुई भी थी। दोनों उस लड़की की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की उन्हें उस किलर के साथ मिला हुआ समझ रही थी, तो इसीलिए वो उन्हें अपने पास में नहीं आने देती है। तभी वहाँ पर किलर आकर उस लेडी को पकड़ लेता है और उसे मारकर जख्मी कर देता है, और ये देखकर दोनों सिस्टर वहाँ से भाग जाती है। उनके जाने के बाद में किलर उस लड़की के सर को हैमर से पीट पीट कर उसे जान से मार डालता है और उसके मरने के बाद भी वही घोस्टली साउंड वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सुनाई देता है। यहाँ पर दोनों सिस्टर भागकर बारबरा की शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें बारबरा नहीं मिलती है। तब दोनों बारबरा की कार के टायर लेकर उसी कार में बैठ जाती है, लेकिन वो कार भी स्टार्ट नहीं होती है। उसी समय किलर भी बारबरा की शॉप पर आता है और उसे मॉम बुला रहा था, मतलब कि बारबरा उस किलर की माँ थी। शॉप के बाहर किलर दोनों सिस्टर को बारबरा की कार में देखकर उनके पास आने लगता है। कार तो वैसे भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो इसलिए दोनों सिस्टर किलर को उनके पास आता देखकर कार को छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है और तब मैगन एक लोहे का रॉड लेकर कार के बीच ही छुप जाती है।
जब किलर वहां पर आता है तो मौका देखकर मेगन उस रॉड को किलर के पैर में घुसा देती है, जिससे किलर तड़पने लगता है और कुछ ही समय में उस किलर की मौत हो जाती है। तब तक मेगन के पास में एबी भी आ चुकी थी, जिसके बाद दोनों देखते हैं कि एक डेमोनिक चीज किलर की स्पिरिट को खींच रही थी और वो उसे अपने साथ में ले जाती है। और जब भी वो डेमोनिक चीज किसी भी स्पिरिट को अपने साथ में ले जाती है तो उसकी पूरी बॉडी अंदर से सूख जाती है। दोनों कुछ समझ पाते हैं कि ये आखिर क्या हो रहा था। तभी वहां पर उसी ग्रुप का एक लड़का आता है जिसका नाम ल्यूक था, जो किलर के हाथों से बचकर अपनी जान बचा रहा था। अब उस लड़के की बात सुनने के बाद में तीनों हाईवे की तरफ भागते हैं ताकि किसी की कार में बैठकर उस जगह से बाहर निकल सके। लकीली कुछ ही देर में एरिक नाम का एक आदमी उन्हें देखकर अपनी कार रोकता है। मेगन घोस्टान में हुई सभी बातें उसे बताकर उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन एरिक उनकी बातें सुनकर जरा भी शॉक्ड नहीं होता है और उन्हें वापस घोस्टान चलने के लिए कहता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वे लोग वहां पर नहीं जाना चाहते थे, और तब एरिक उन्हें अपने गन पॉइंट पर लेकर कार में बैठने को कहता है। मजबूरी में उन्हें भी एरिक की बातें मानकर कार में बैठकर वापस वहां पर जाना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद में एरिक को वहां किलर की डेड बॉडी दिखाई देती है, और अब हमें यह पता चलता है कि वो किलर एरिक का भाई कोलैप था और उनकी पूरी फैमिली इन सारी किलिंग में मिली हुई थी। अपने भाई के मरने पर किलर को ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन अब वो उन्हें भी नहीं छोड़ने वाला था। सबसे पहले तो एरिक ल्यूक के सर पर गोली मारकर उसे जान से मार डालता है, और उसके बाद में वो दोनों सिस्टर को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते दोनों सिस्टर एक घर की तरफ आती है, लेकिन उस घर में घुसने के चक्कर में वहां पर लगी हुई एक किल से एबी के हाथ पर चोट आ जाती है, और ब्लड को रोकने के लिए मेगन एबी की चोट पर रुमाल बांधती है और दोनों सिस्टर वहां से आगे भागने लगती है। एरिक भी हथियार लेकर उन्हें ही ढूंढ रहा था, और इधर भागते भागते दोनों बहनें एक दूसरे घर में आ चुकी थी जहां पर किलर के हाथ मारे गए बहुत से लोगों का सामान पड़ा हुआ था, और साथ ही वहां पर एक पर्सन की डेड बॉडी भी लटकी हुई थी। ये देखकर दोनों सिस्टर वहां से आगे भागती है, और एरिक भी उनके खून के निशानों को फॉलो करते करते उनका ही पीछा कर रहा था। यहाँ पर एबी इन सब इंसिडेंट से डरकर कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रही थी, तो इसीलिए वह क्लिफ से गिरकर बेहोश हो जाती है। अब क्लिफ के नीचे जाकर एबी को होश में लाने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मेगन अपने हाथ को एक पत्थर से काटकर उसका खून जमीन पर गिराकर दूसरी तरफ भागने लगती है, ताकि एरिक उसके खून को फॉलो करते हुए उसकी तरफ जाए और एरिक की नज़र एबी पर ना पड़े। ठीक होता भी ऐसा ही है कि एरिक एबी को नहीं देख पाता है और वो मेगन को फॉलो करने लगता है। तब तक मेगन भी एक घर पर आकर छुप चुकी थी, और एरिक का ध्यान भटकते ही मेगन वहां से भी भाग जाती है। भागते भागते मेगन एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर मरे हुए लोगों की लाशों को जमा करके रखा गया था, जहां से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। एरिक भी मेगन के पीछे ही था, लेकिन फिर भी मेगन उसे धक्का देकर दूसरी तरफ भाग जाती है, और वहां पर जाकर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से मेगन भाग नहीं पाती है, और एरिक उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद में वो उसे अपने साथ में ले जाता है। इधर मेगन की जब आंखें खुलती है तो खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाती है, और उसके होश में आने के बाद में एरिक उसको बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि उसके भाई कोलैप को मारने के बाद में मेगन को कैसा फील हुआ। यह सवाल बहुत ही अजीब था, तो इसलिए वो कोई जवाब नहीं देती है। दूसरी तरफ एबी भी होश में आकर मेगन को यहाँ वो ढूंढने लगती है, तभी बारबरा पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। बारबरा अपने बेटे कोलैप की मौत को लेकर उनसे बहुत ही गुस्सा थी। वो एबी का गला काटने वाली थी कि तभी एबी पास में पड़े दो किल को बारबरा की आंखों में घुसा देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर इसके बाद एबी मेगन को ढूंढते हुए उसी घर तक आती है जहां पर एरिक ने उसे बांध कर रखा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि एरिक ने मेगन के गले पर चाकू पॉइंट किया हुआ था। एबी से एरिक को उसकी माँ बारबरा की मौत के बारे में पता चलता है, लेकिन उसकी मौत से एरिक को जरा भी दुख नहीं होता है। फिर इसके बाद में एरिक मेगन को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, और तब मेगन अपने दांतों से उसकी नाक काट कर उसके चेहरे से अलग कर देती है। एरिक भी गुस्से में चाकू से मेगन के सीने में वार करता है, जिससे कि मेगन बेहोश हो जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर एबी एरिक के पैर में वार करके उसे गिरा देती है। फिर उसी चाकू से उसके ऊपर बार बार वार करके वो उसे भी जान से मार डालती है। अब एबी मेगन को लेकर एरिक के कार में बैठ जाती है, और दोनों घोस्टाउन से निकल कर बेका के रेस्टोरेंट तक आते हैं। वहां पर पहुंचकर एबी बेका और बाकी लोगों से हेल्प मांग रही थी, लेकिन वे लोग उल्टा उन्हें ही बेहोश करके अपने साथ में ले जाते हैं। कुछ देर के बाद में दोनों की जब आंखें खुलती है तो दोनों खुद को एक रूम में बंधा हुआ पाती है,
और उनके सामने टोनी, बेका, जून और कई सारे लोग खड़े हुए थे। और तब जाकर हमें पता चलता है कि सालों पहले उनके इस टाउन को एक डेविल से कर्स मिला था, जिससे कि इस टाउन के लोग वहीं पर कैद होकर रह गए। डेविल को खुश करने के लिए तब से लेकर आज तक इस टाउन के लोग बाहर के लोगों की बलि देते आए हैं, और इसीलिए उन लोगों ने इस घोस्ट टाउन को खोला ताकि लोग उसे देखने आए और वे लोग बाहर के लोगों को मारकर डेविल को उनकी बलि दें। तो इसलिए लोगों के मरने के बाद में डेविल उनकी स्पिरिट को अपने साथ में ले जाता है। जून इस टाउन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनके साथ में इस कर्स में फंस चुकी थी। और टोनी उस टाउन का लीडर था, उसी के ऑर्डर पर टाउन वाले डिसाइड करते थे कि किसको मारना है और किसको नहीं। और अब जब दोनों सिस्टर उनके लोगों को मारकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए टोनी एक रिचुअल करके डेविल के सामने उनकी बलि देने का डिसाइड करता है। लेकिन सबसे पहले वो बेका का गला काटकर उसे जान से मार डालता है, क्योंकि बेका की जिम्मेदारी थी कि कोई भी घोस्ट टाउन से जिंदा बाहर ना निकले और किलर से हर पल की खबर लेती रहे, जो कि बेका ठीक से नहीं कर पाई थी। अब टोनी के साथ सभी लोग एक दूसरे रूम में रिचुअल करने जाते हैं, और जैसे जैसे वे लोग रिचुअल कर रहे थे, वैसे वैसे दोनों सिस्टर को एक बहुत ही खराब स्मेल आने लगी थी, मतलब कि डेविल उनके पास में आ चुका था। फिर अब दोनों सिस्टर पजेस होकर अग्रेसिव बिहेव करने लगती हैं। तभी वहां पर जू आकर दोनों के हाथ खोलती है और दोनों को होश में लाती है, जिसके बाद तीनों वहां से भागने लगती है। तब तक टाउन के लोगों को भी उनके भागने के बारे में पता चल चुका था और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ ही देर में रॉल नाम का एक आदमी उन्हें ढूंढ लेता है और वो जून का गला काटकर उसे जान से मार डालता है। तभी एबी रॉल को धक्का देकर क्लिफ से नीचे गिरा देती है, जिससे कि एक पेड़ की ब्रांच रॉल के गले के आर पार हो जाती है, लेकिन इससे वो अभी भी नहीं मरता है। दोनों सिस्टर उसकी कोई हेल्प नहीं करती है और फेस पर कपड़ा बांधकर वहां से आगे बढ़ती है ताकि स्मेल से डेविल उनको पजेस न कर पाए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद टाउन के सभी लोग उन दोनों को घेर लेते हैं, क्योंकि टाइम से पहले दोनों की बलि देना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अगर दोनों टाउन से जिंदा भाग गए तो डेविल टाउन के लोगों की ही जान ले लेगा। लेकिन टाउन वाले उनको सेक्रीफाइस करते उससे पहले रिचुअल का टाइम खत्म हो जाता है और वो डेविल टाउन के लोगों को अपनी स्मेल के जरिए पजेस कर लेता है, जिसके बाद पोजेशन में आकर टाउन के लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं और एक दूसरे को जिंदा करने लगते हैं। कुछ ही टाइम में सभी की मौत हो जाती है, जिसके बाद में डेविल उनके सोल को अपने साथ में ले जाता है। लेकिन अभी भी टोनी जिंदा था। वो जब दोनों सिस्टर को मारने आता है तो दोनों मिलकर एक लकड़ी उसकी बॉडी के आर पार घुसा देती है, जिससे कि टोनी वहीं पर मारा जाता है। अब सुबह हो जाती है और दोनों सिस्टर जिंदा वापस उस टाउन से बाहर आ जाती है, और उनके जाने के बाद में हम देखते हैं कि टोनी को डेविल ने पजेस करके फिर से जिंदा कर दिया है, और अब टोनी उस टाउन का नया किलर होगा जो कि डेविल के लिए बाहर के लोगों के सोल को लाएगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने एक टाउन को देखा जिसे डेविल ने कर्ज किया था, और इस कर्ज के चक्कर में इस टाउन के लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उस कर्ज के मुताबिक उन्हें डेविल को बाहर के लोगों की बलि देना होगी, जिससे वो डेविल उन्हें नहीं मारेगा। अगर कोई भी बाहर का इंसान इस टाउन से बाहर निकला तो डेविल टाउन के सभी लोगों को मार देगा। डेविल लोगों को मारने के लिए एक किलर को भी चूज करता है, जो कि डेविल के लिए बाहर के लोगों को मारता है। लेकिन मूवी के एंड में हमने देखा कि दोनों सिस्टर वहां से जिंदा भाग गई, और सजा के तौर पर डेविल ने टोनी को पजेस कर लिया था, जिसके जरिए वो बाकी के लोगों को डेविल के लिए मारेगा। तो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप दोस्तों आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं आपके लिए और भी क्रीपी कंटेंट जल्दी लाने वाला